कहते शब्द से भी अपरोक्षानुभूति हो जाए फिर तो प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो जाएगा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न शब्द प्रमाण क्यों मान रहे हैं फिर, यदि उससे भी प्रत्यक्ष हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर डाल दो उसको। न चैवा प्रत्यक्षांतर्भाव शब्द से स्यात् इति न च वाच्यम्, ऐसे मत कहो। प्रत्यक्ष हम किसको कहेंगे, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? ये जो लोग मात्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञानम प्रत्यक्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष, आपके यहाँ तो है नहीं है। प्रमात्रवचन चेतन प्रमाणावचन चेतन परमयावचन चेतन का अभेद यह आप कहना है, वो इंद्रिय सापेक्ष इंद्र निरपेक्ष से कोई लेना देना है नहीं। प्रमाण तो वृत्ति है और इंद्रिय रूपी प्रमाणावचन चेतन होना इंद्रिय चक्षुरादि या केवल शब्द रूपी शब्द भी एक प्रमाण, प्रमाणावचन चेतन कहने से ये भी आ जाएगा उसी में ही, अलग रहेगा नहीं। तो प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो जाना चाहिए शब्द प्रमाण तुम्हारा, तब सिद्धांत दशपथ कहो। बोध्याभिन्न दीर्घ बनाना इसको, बोध्याभिन्न आर्थक शब्दातिरिक्तत्व सति प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वस्य प्रत्यक्षस्य अंतर्भावे तंत्रत्वात्। प्रत्यक्षस्य अंतर्भावे, प्रत्यक्ष के अंदर आप यदि अंतर्भाव करना चाहते हैं वहाँ पर हम इतना ही नहीं कहते प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व प्रत्यक्षत्व, इतना हमारा लक्षण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमा करणत्व इतने से काम चलेगा नहीं, किंतु बोध अभिन्नार्थक शब्द से अतिरिक्तत्व होना चाहिए। बोध्य अभिन्नार्थक शब्द अतिरिक्तत्व सती जो प्रत्यक्ष प्रमाण करणत्व है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, तो अतिरिक्त दूर हो गया। क्योंकि ये कैसा है, बोध्य अभिन्नार्थक शब्द है तत्वस्यादि वाक्य, ये छूट जाएंगे। जब बोध से भिन्नार्थक शब्द है, बोध से भिन्नार्थक शब्द है वह शब्द प्रमाण अलग रह जाएंगे, इसे भिन्न हो जाएगा सारा। हाँ प्रत्यक्ष प्रयोजक ले रहे हैं ना, प्रत्यक्ष का प्रयोजक में हम विशेषण कोटि में डाल देंगे जो हमारा ऐक्य बोधक वाक्यों को। बोध्य कौन हो गया, श्वेत केतु आदि, उससे अभिन्न जीव ब्रह्मैक्यत्व रूपार्थ उसका बोधक वाक्य हो गया तत्मस्य आदि वाक्य, उसके भिन्नत्व सती व्यतिरिक्त कर दिया ना आपने। बोध्य अभिन्नार्थक शब्द से अतिरिक्त होना चाहिए, अतिरिक्त तत्व नहीं है किसमें, शब्द में, जिन शब्दों का प्रत्यक्ष में डालना चाह रहे हैं तत्मस्य आदि वाक्यों को, जो वही है वो, उसे भिन्नत्व नहीं है। उससे भिन्नत्व होता हुआ प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, ऐसे कर अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। ये तो एक विशेषण देना पड़ेगा हमें, सामर्थ्य लक्षण ही हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इतने मात्र लक्षण करोगे तो दोष आएगा हम भी मानते हैं। ना प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोजक ये प्रत्यक्ष प्रमा करणत्व इतना ही नहीं मानेंगे, उसे विशेषण जोड़ दूंगा, बोध्य भिन्नार्थक शब्द भिन्नत्व सती ये कह दो, अप्रतित्व से आदि वाक्य छूट जाएंगे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। बोध्य भिन्नार्थक शब्दातिरिक्तत्व सति प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व से प्रत्यक्षस्य अंतर्भावे तंत्रत्वात्, प्रत्यक्ष अंतर्भाव करने के लिए एतादृश प्रयोजक को ही हम प्रधानतया ग्रहण करेंगे। तो ठीक है, लेकिन शब्द में करणत्व आएगा ही नहीं अनुभव के प्रति, जैसे मनसैव अनुद्रष्टव्यम मनसा तृतीय विभक्ति के द्वारा करणत्व है, इन आपके यहाँ पर शब्द के में करणत्व कहाँ है? महावाक्येन मुक्तिम भावयेत कहीं विधि है, श्रोतव्य मंत्र ध्यातव्य आ रहा है, लेकिन वहाँ ये नहीं करे श्रवण इन आत्मा द्रष्टव्य, और तृतीय व्यक्ति साक्षात अंगांगी भाव का बोधक होता है, इसे तृतीय व्यक्ति को प्रधानता दिया मीमांसा दर्शन में करणत्व निर्णय करने के लिए। यागेन यागात स्वर्गम भावेत ऐसा नहीं बोलेंगे हम, यागेभ्य स्वर्गम भावेत नहीं बोलेंगे, यागेन यागैहि यागाभ्याम दशपूर्णमासाभ्याम तृतीय रहेगा हर जगह कि करणत्व व्याकरण के अनुसार तृतीय विभक्ति से निश्चय है। श्रवणेन आत्मानं भावेत, श्रवणेन आत्मा द्रष्टव्य, जिस मनसैव
यह है ना अनुद्रष्टव्य श्रवण अनुद्रष्टव्य शब्द अनुद्रष्टव्य ऐसा तो कहीं है नहीं। फिर कैसे आप शब्द को अप्रोक्षत्व के प्रति आप सिद्ध कर रहे हो, आगम से बाधित कर देगा अभी आपके अनुमान, आगम से बाधित हो जाए। अनुमान तो सिद्ध कर दिया आपने, अप्रोक्षत्वम शब्द निष्ठ बना दिया आपने, इन्हें कदया तब बन सकती है जो उसे कर्णत्व बोध कोई श्रुति हो। तो मन से ही अनुष्ठव्यम इत्यादि इव मन कर्णता प्रतिपाद प्रकृत्या भावात, जैसे मन में कर्णता का प्रतिपादक वाक्य है मन से अनुष्ठव्यम इत्यादि, उसके समान प्रकृति में मैंने शब्द है ना आत्मारम भावित, ऐसा कोई प्रकृति अभावात अनौपदेशिकम शब्द से साक्षात्कार करणत्व, इसे तुम्हारे शब्द में जो तुम साक्षात्कार करणत्व सिद्ध कर दिया अभी है, अप्रोक्ष सिद्ध कर रहे हो, वो जो साक्षात्कारणत्व है अनौपदेशिक है, अभीत है, कल्पित है तुम्हारी, इसका मतलब ना आपकी कल्पना से कहीं कार्य सिद्ध होगा क्या? कल्पित से तो कार्य नहीं होता कभी। आप शब्द में कल्पना कर रहे कर्णत्व, इसे कल्पित कर्णत्व को लेकर के साक्षात्कार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, हो नहीं सकता है। यदि चेत ना हमारे पास तृतीय व्यक्ति से प्रबल है प्रमाण, भाई देवता का निर्णय जब किया कौन से शब्द वेद में देवता का बोधक है ये पूछा गया, चतुर्थी को पहले रखा उन्हें चतुर्थिया वा तृतीयेन वा मंत्र वर्णेन वा पुनः, ऐसा है वा पहले चतुर्थी साक्षात बोल रहा है दान देना है इसको अग्नि स्वाहा, सा सीधा है वहाँ शंका ही नहीं अग्नि देवता, और तृतीयेन सा से देवता मंत्र है सूत्र है, ऐन्द्रो देवता से ऐन्द्रम भवि ही, अतो मंत्र वर्ण मंत्र वर्णों में के द्वारा ग्रहण होता है देवता, तीन ही प्रक्रिया है। अजय तद्धित को भी वस्तु बोधक प्रमाण अपने माना, देवता बोधक प्रमाण माना है, हमारे पास तद्धित है तंतो प्रशम पुरुषम पृछामी, और कैसे नहीं बोल रहे हो, वीत है उपनिषद मात्र के द्वारा ग्राही है दूसरे से नहीं, इससे बढ़िया विधि और क्या चाहिए तुमको, कर्ण क्या चाहिए, कहते तंतु अप्रशम पुरुषम पृछामी इत्यादि तत्र साधुरीति तद अन्य असाधुत्व सति, तत्र साधु एक सूत्र है व्याकरण का 498 पाणिनी सूत्र है, तत्र साधो कहते उस विषय में ये बिल्कुल सही है, इस अर्थ में सप्तम समर्षवंतों से साधु अर्थ में होता है, अनेक प्रत्यय और हैं वहाँ अण आदि, तो यहाँ पर भी अण प्रत्यय हुआ है, उपनिषदी साधु यदि औपनिषदम बनाया हम तत्र साधु, इसमें तद अन्य असाधुत्व सति तत् साधुत्व रूप सूत्रकार है, उससे भिन्न असाधु होते हुए यही साधु है कहना इष्ट हुआ, तद भिन्न का व्यावर्तन करते हुए एक में साधुत्व का निश्चय करना, यानी अनेक साधु नहीं बनेंगे, अनेक में साधुत्व नहीं सिद्ध करता व्याकरण वहाँ से, तद भिन्न में असाधुत्व कहते हुए एक में साधुत्व को निर्णय करने वाला साध्वर्त विहित तद्धित श्रुत्या, साधुअर्त में विहित तद्धित प्रत्यय के श्रुति प्रमाण हमारे पास है, तुम्हें तृतीय विभक्ति श्रुति मांग रहा है ना, श्रुति प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण स्थान समाख्या उनमें श्रुति प्रमाण है, श्रुति विभक्ति लिया अपने तृतीय विभक्ति ये भी तो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा एव मानत्वाद श्रुत्या एव मानत्वाद श्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए, अतएव अनौपदेशिक नहीं है औपदेशिक ही रहा, ये सिद्ध कर दिया। तो इतना ही नहीं एक और बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ वहाँ मन में कल्पना थी ना, दो अंश में कल्पना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो प्रमा का कारण है नहीं, मन साधारण कारण है असाधारण है नहीं कर्ण है नहीं, उसे कर्ण तुलाना पड़ रहा था, यहाँ तो कर्ण तुलाने की जरूरत ही नहीं, सर्वांश में कल्पना कहा था ना मन में, और शब्द में एक अंश मात्र कल्पना है, प्रमा का कर्ण है परोक्ष प्रमा का कर्ण है ये सभी मान ही रहे हैं शब्द को, प्रमा कर्णत्व है उसमें, उसे अप्रोक्षत्व नहीं था वो हम लिए एक अंश में कल्पना हुआ, ननु मन से कर्णत्व भी औपरिषदत्व से
नित्यासनापेक्षितया अन्यता सिद्धि कि मनसकरणत्वे अपि इतने तंतो पुरुषम पृछामि आप जो लेके आए ठीक है, उक्त सूत्र में साधुत्व का अर्थ योग्य मात्र बोलता है पूर्व पक्षी, तत्र साधु ने तस्मिन विषय योग्यम भवति न तो सम्यक ग्राह्यम भवति। साधुत्व का अर्थ पूर्व पक्षी कहेगा योग्यत्व मात्र है, उस विषय में योग्य हो, सामर्थ्य है, इन करेगा ही ये निश्चय नहीं है। डंडा है जंगल में पड़ा है, अब डंडे से घड़ा बनने का सामर्थ्य तो है, हिनाग लग गया जंगल में तो वो सामर्थ्य रह गया वहीं पे भस्म हो जाएगा वो, घड़ा का बनाएगा वो। सामर्थ्य होने मात्र से अवश्य कार्य उत्पादक बने ये कोई नियम तो है ही नहीं। इसे तुम्हारे शब्द में योग्यत्व तो भले आ गया कि उतने से अप्रोक्ष करेगा नहीं, ये पूर्व पक्षी कहता है। कर्णत्व भी औप्रशतत्वस्य निधिध्यासन अपेक्षित, क्योंकि उसको मरण और निध्यासन की अपेक्षा भी है। आपने कहा श्रवण मुख्य अंगी है और उसके अंग मरण और निध्यासन है, अंग सापेक्ष हो गया और मन तो किसी की अपेक्षा मन सैव एव बोल दिया है, अन्य निरपेक्ष करणत्व बता दिया और निध्यासन आपका अन्य सापेक्ष करणत्व वसित करना चाहिए। दोनों में करणत्व है, दोनों में अप्रोक्षत्व लाने की प्रयास करेगा, बराबर है। से साक्षात जहाँ शुरू है वो मुख्य हो गया मनसा, और इसमें तेत के द्वारा आप ग्रहण कर रहे हो, परंपरागृत व गौरव हो गया है। साक्षात तृतीया की अपेक्षा से परंपरा पर ग्रहण करना पड़ेगा, तृतीया है नहीं फिर भी तत्र साधु सप्तमी है, उपनिषदि साधु इति औपनिषदम ये बनाना चाहेंगे आप। इसीलिए और उपनिषद क्या है, शब्द राशि, शब्द राशौ बनेगा, शब्द राशि ना ये तो बनेगा नहीं, तृतीया तो तभी नहीं मिल रही आपको, ठीक है। तहितार्थ के आधार पर निर्णय आप करणत्व आएगा इन परंपरा आया। अच्छा मन ही मुख्य साधन है आत्म साक्षात्कार का, न कि तत्त्वमस्यादि महावाक्य, ये पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहा है। तब हम लाएंगे नहीं नहीं श्रवण ही मुख्य है, शब्द ही मुख्य है, मन नहीं। तो कह रहा है कि नित्यासन अपेक्षित या अन्यता सिद्धि, इसे अन्यता सिद्धि दोष आ जाएगा। तब सिद्धांत ऐसा मत कहो, ये मनसा न मनुते ये न अहोर मनोमतम, केनो उपनिषद स्पष्ट बोल रहा है 3-5 मन के द्वारा आत्मा साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। कर्णत्व निषेधात, मन में कर्णत्व का निषेध कर दिया, मनसा में तृतीय देखो ये मनसा न मनुते, कर्णत्व का निषेध कर दिया, मन में आत्मनन के कर्णत्व का निषेध कर रहा है वो वाक्य। फिर कहते शब्द में भी तो निषेध है, न जे तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाचो निवर्तन्ते कह दिया है, शब्द भी निवृत्त हो गया। यदि शब्द से आप ही कर्णत्व अनुपत्ति, शब्द का भी कर्णत्व निषेध है, यदि वहाँ पर भी वाचा है, वाचा नहीं है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तृतीया, यहाँ तृतीया नहीं, ये तो वाचा ऐसा नहीं बोला, ये तो वाच वाचक अर्थ वाणी का विषय नहीं, षष्ठी लेते हैं या प्रथमा गोचन शब्दाणी कहते वहाँ षष्ठी पक्ष ज्यादा मुख्य है। मन के सहित तृतीया कहेंगे, मन सहित शब्द निवृत्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी तृतीया ने फिर भी मान के चलता हूँ तुम्हारी बात कि कर्णत्व का वह निषेध हुआ है, तब भी कहती थी न च कर्णत्व अनुपत्ति, इसलिए शब्द में भी कर्णत्व अनुपत्ति दोष तुम लेकिन नहीं दे सकते, क्यों औपनिषदत्व श्रुत्यनुसारेण तस्या शक्तिया अबोधकत्व परत्वात्, लक्षण है अबोधकत्व नहीं है, निषेध नहीं हुआ। और निषेध वाक्य क्या कर रहा है, अगे विधि वाक्य है औपनिषदम, उसके आधार आपको इसका अर्थ संकोच करना पड़ेगा। संकोच क्या करेंगे, कहेंगे शब्द से शक्तिया अभिधा वृत्ति से आप ब्रह्म को जान नहीं सकते, ये निषेध प्रक्रम, अतएव लक्षणावृत्ति से अनुभव कर सकते हैं। अच्छा ये तो वाचो निवर्तनते में शब्द में कर्णत्व निषेध कर भी रहा है तो कीदृ कर्णत्व निषेध कर रहा है, आत्यंतिक निषेध है क्या, शक्ति से मैंने अभिधा वृत्ति से आप शब्दों से ब्रह्म को नहीं जान सकते, ये वो कह रहा है।
अतः कोई विरोध नहीं रहा, करणत्व रह गया। ठीक है, अहुपरिषदित्व श्रुति के अनुसार हमें उसे संकोच करना पड़ेगा, तस्या श्रुते है कि क्या करें, शक्तिया अबोधकत्व परत्वात्। ये कैसे आप निर्णय ले लिया? इसमें हमारा स्मृतियां भी प्रमाण, पुराण वाक्य देंगे श्लोक, मयमन स्त्रोत्र अतद्व्यावृत्यायं चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि। चकितम अभिदत्ते माने शक्ति से नहीं है, साक्षात शब्दार्थ से ग्रहण नहीं हो रहा है, आश्चर्य करके बोल रहा है श्रुति भी उस ब्रह्म के बारे में। आश्चर्य क्या बोल रहा है? अतद्व्यावृत्ति से बोल रहे हैं, वातृत्या अतद्व्यावृत्यायं श्रुतिरपि चकितम अभिधत्ते, चकितम इव अभिधत्ते। इसीलिए कारणत्व शब्द में है ही, श्रुति में है, ये सिद्ध हुआ। न च मनसैव अनुष्टमिति तृतीया श्रुति अनुसारेण न मनति इत्यस्यैव अपक्व मनोविषयतया अन्यथा नयन साम्यम इति वाच्य। इति न च वाच्य वो कहते हैं जैसे तुमने उसको यथो वाच्य निवर्तनते को निषेध को संकोच किया, हम भी निषेध का संकोच करेंगे। यन मनसा न मनुते करते अशुद्ध मनसा न मनुते, मनसैव अनुदृष्टम शुद्ध मनसा अनुदृष्टव्यम, हम भी कर देंगे। दो श्रुतियों का विरोध तुम्हारे था तो हमारे में भी दो श्रुतियों का विरोध है, हम समाधान इस तरह से कर लेंगे। तभी साक्षात्कारण तो मन में ही रहा, शब्द में है नहीं, दोनों समान हो गए। कहते मनसैव अनुष्टव्यम श्रुति के आधार पर तृतीया श्रुति अनुसारेण न मनुते इत्यस्यैव अपक्व मनो विषयतया अन्यथा नयन, अन्यथा नयन कर दूंगा। इस तुमने कहा अभिधा वृत्ति से ग्रहण नहीं होता, संकोच किया आपने, अन्यथा नयन किया उस श्रुति को, हम भी यहाँ कर लेंगे। इति साम्य, इसे दोनों बराबर हो गया। जब बराबर है तो एक भी प्रधान था और शब्द से ही मोक्ष होगा तो तुम से ही मोक्ष होगा सुनने से, यह कहना आपको उचित नहीं। यत्र समो दोषो परिहारो वा कहा गया ना, जा जमाने दोष समाने परिहार, उस शंका को उठाना ही नहीं चाहिए। अतः साक्षात्कृत मन को ही आत्मानुभूति का कारण मानना चाहिए, शब्द को नहीं। तब सिद्धांत ऐसा मत कहो। एवं साम्यपि मनस करणत्व यदि कल्पना, फिर भी मन में करणत्व तो मानने में हमें अधिक कल्पना तो करनी पड़ेगी। किसका करण है? प्रमा का करण है क्या? प्रमा करणत्व तो सिद्ध नहीं है, करणत्व तो है मान लिया तृतीय विभक्ति के कारण से, लेकिन प्रमा का करण ये कैसे निश्चय हुआ? मन सैव अनुद्रष्टव्यम, अनुद्रष्टव्यम का अर्थ क्या लोगे? क्या प्रमा लोगे? मन सैव प्रमा कर्तव्यम, अनु द्रष्टव्यम का मतलब क्या? वहां साक्षात द्रष्टव्य आया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, अनुद्रष्टव्य नहीं है यह, पश्चात द्रष्टव्य है ना, अनु आ गया। कस्मात पश्चात? श्रवणात पश्चात, ये है यहां पे अनु बोल दिया ना, यहां साक्षात है का प्रमाकरणत्व, इसे प्रमाकरणत्व को कल्पना करनी पड़ जाएगी। तो उभय कल्पना आ गए ना, अधिक है तुम्हारे, हमारे एक ही अंश में कल्पना है, साक्षात्कार तुम्हें अपरोक्षत्व में कल्पना है। वही तो मसामी में मन से करणत्व ही अधिक कल्पना, वही नीचे बता रहे देखिए। अरे शब्द की कारणता का विधान और निषेध दोनों उपलब्ध है, वैसे मन की कारणता का विधान और निषेध दोनों उपलब्ध, दोनों समान हो गया ऐसा मत कहो। दोनों का विधान और निषेध समान होने पर भी मनोगत करणत्व की कल्पना में गौरव है, क्योंकि मन में प्रमाकरणत्व और मनोचिन्ह बोध में अपरोक्षत्व, दोनों अंश में कल्पना करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ शब्द में करणत्व कल्पना करने की जरूरत नहीं, वो तो प्रमाकरणत्व नाम सर्वानुभव सिद्ध है, प्रमा को उत्पन्न करते ना श्रोतेन्द्रिय शब्द से, तो प्रमाकरणत्व शब्द में पहले से विद्यमान, अप्रोक्ष प्रमाकरणत्व नहीं था कि शब्द से हमेशा हमको परोक्ष प्रमा पैदा होता है, उस अप्रोक्ष प्रमाकरणत्व मात्र अप्रोक्षत्व हमें विशेष एक अंश मात्र कल्पना करना पड़ा, करणत्व तो था प्रमाकरणत्व, लेकिन तुम्हारे साथ प्रमाकरणत्व नहीं था, ये पहले विचार हो चुका है। मन से कौन सी प्रमा पैदा करोगे आप? कोई प्रमा पैदा नहीं होता भाई, बाह्य चीजों के प्रमा में इंद्रिय सापेक्ष हो गया, अंदर के विषय के लिए वो करण मात्र है, प्रमाकरण नहीं बना। क्यों? कौन भाषण कर रहा है? साक्षी भाषी है सुखादि,
आत्मा के प्रति भी नहीं, आत्मा का प्रमा भी हमारे मत में नहीं है मन के द्वारा। आप आत्मा संयोग से मान के आत्मा में मन में आत्म ज्ञान का प्रत्यक्ष का प्रमाकरण तो मान रहे थे, वो हमारे मत में है ही नहीं, बनता ही नहीं। आज केवल करणत्व है उसमें, प्रमाकरणत्व नहीं है तृतीय भक्ति के आधार पर। और अनु की महिमा का ध्यान दोगे अपने आप समाप्त हो गए मुख्य करणत्व उसमें। नहीं, मन का मुख हुआ, साधारण करण हट गया, इसे विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है आपको। साधारण करण तो मान ही रहे ना, प्रमाकरण तो नहीं मान रहे हम, करणत्व निषेध हम नहीं कर रहे, प्रमाकरण तो निषेध कर रहा हूं। करण है, बिना वृत्तियों कुछ होना ही नहीं, और अंतरण की वृत्ति बिना बाह्य इंद्रिया खुला रह जाए कोई फायदा नहीं, ग्रहण तो होगा नहीं। इसे मन में करणत्व हम निषेध नहीं करते हैं, किंतु प्रमाकरणत्व नहीं है। किस चीज की प्रमा पैदा किया मन ने बताओ मेरे को, केवल मन पैदा करे किसी विषय की प्रमा बताओ, कौन से विषय की प्रमा पैदा करे, तो फिर प्रमाकरणत्व कैसे मानूंगा, करणत्व मानूंगा। सामान्य अन्य इंद्रियों के साधारण कारण मान के साधारण करणत्व रहेगा, विशेष जो प्रमा का करणत्व मान विशेष हो गया, असाधारण हो गया, वो हम नहीं मान सकते। अत निष्कर्ष दे रहे, तस्मात श्रोतव्य में नियम विधि सिद्ध हो गया, समाप्त हो जाए तृतीय परिचय, साधन परिचय समाप्त। तस्मात तत्वमस्यादि वाक्यस्य अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्वात्, से तत्व से आदि वाक्य क्या है, अप्रोक्ष ज्ञान का जनक होने से अविद्या निवृत्त्यात्मक मोक्ष साधन, अविद्या निवृत्त्यात्मक जो मोक्ष, तो आगे के बीज बोध्य फल, फलाध्याय शुरू होगी ना, फल परिच्छेद, अविद्या निवृत्त्यात्मक मोक्ष साधन ब्रह्म साक्षात्कार आय, ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए मननात्यंगकम श्रवणम अंगी, मननादि है अंग जिसका, ऐसा जो श्रवण वो अंगी है, इति नियम विधि विषय विषय इति सिद्धम, नियम विधि का विषय भूता श्रवण ही अंगी है, ये बात सिद्ध हो गया। इस प्रकार से सिद्धि में शब्दात अप्रोक्ष उपपत्ति, शब्द से भी अप्रोक्ष होता है, सिद्ध हो गया। यहाँ भी तीन श्लोक मंगलाचरण कर रहे हैं इस परिच्छेद की समाप्ति में। विश्वेश्वराख्यस्य गुरोः प्रसादाद् अद्वैत सिद्धिर मधुसूदनस्य अभूत भूमि खलु दूषणानां गुणैरमेयैर् अवगुंफित श्रीः। कहते विश्वेश्वर नामक हमारे गुरुजी थे, विश्वेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी कृपा से गुरोः प्रसादात् यह अद्वैत सिद्धि मधुसूदन का अवगुंफित श्री, सकल दोषों से रहित अनंत गुणों से मंडित होकर प्रकाशित हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। अवगुंफित श्री से अलंकार से तात्पर्य निर्दोष होकर के हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कृति है कैसी है, दूषणानाम अभूमि अभूत, दूषणों का या कोई जगह ही नहीं, दूषणों का स्थान नहीं यहाँ पर। जितने भी संप्रदाय, जितने भी दर्शन, जितने भी जो हमारे ही अनेक वेदांत के मतभेद वाले, प्रस्थान भेद वाले, सबका तुम दोष उठक पटक हम पर डाला, वो सारा हमने साफ कर दिया, कोई दोष नहीं है। से दूषणानाम अभूमिर अभूत गुणैर अमय अमीर च अवगुंफित श्रीर अभूत, अमेयर गुणेर गिन नहीं सकते आप, इतनी उतनी अनंत गुणों से हमारी यह कृति अलंकृत हो गई है। इस और क्या तो बोलोगे आगे बताओ, इतना ही नहीं। ससंभ्रम अपेक्षया परगुणोन्नतिर्दुस्सहा नितांत मन अपेक्षया निजम पुमर्तहानि परा अत सुमतयो यथा नयमुपेक्ष दुर्वत्सरम प्रयोजन वशानुगाह कृत मत कृतो सत्कृतिम। इसलिए प्रयोजन के वश होकर के जो साधक हैं, मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उनको मत कृतो सत्कृतिम कुरुता, मेरे कृति में इस अद्वैत सिद्धि में विशेष मेहनत अच्छी तरह से करना पड़ेगा,
मात्सर्य भाव छोड़ो, उनको पढ़ा रहा है द्वैत, तुम अपने द्वेष कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ससंभ्रम अपेक्षा परगुणोन्नति दुस्सहा, यह द्वैसिति ग्रंथ में सहसा क्या हो रखा है, ससंभ्रम सहसा ही सभी व्यक्तियों के एक साथ कूट पड़े दोष लेकर, आपने सबको उठा पटक दिया ना, आपकी वो ऐसा बोल रहे, आप ये ऐसा बोल रहे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये श्रुति है, वो श्रुति है, क्या क्या तुमने नहीं लाया। कहते हैं इस अद्वैत स्थिति नामक ग्रंथ में आपने सहसा सभी व्यक्तियों के, सभी मत मतांतरों को आपने पटक दिया, जितने कूड़े डाल सकते हैं सर पर डाल दिया तुमने, दोषों को ढेर डाल दिया। फिर भी परकीय वैदुष्य और अलौकिक प्रतिभा नितांतम अनपेक्षया परगुण उन्नति दुस्सह, परगुण हम खुद के लिए बोल रहे, आपकी अपेक्षा से मैं पर हूं, मेरे गुणों का उन्नति को देख करके आपको सहन नहीं हो रहा है, क्या आपके सारा धज्जिया उड़ा दिया द्वैत संप्रदाय की पूरी की पूरी, इसीलिए आपको क्रोध आ रहा होगा, परेशान होंगे आप, तनाव भरा होगा और द्वेष बढ़ रहा है। नितांतम अनपेक्ष निज पुमर्थ हानि परा, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए दुस्सा होगा जरूर, और इस ग्रंथ को सर्वथा तिलांजलि दे दोगे, त्याग दोगे, अनपेक्षया बिना अपेक्षा की बिना नितांत त्याग देते हो तुम, तो क्या होगा पता है, तुम्हारी अपनी परम पुरुषार्थ मोक्ष का हानि हो जाएगी, तुम्हारा विनाश होगा, श्राप भी दे दे एक तरह से, ये तुम मानोगे नहीं, अरे जबरदस्ती थोड़ा होता कोई काम, तुम्हारी द्वैत को हम जबरदस्ती मानेंगे, अरे इतनी तर्क दिया, श्राप दिया, इतना सिद्ध कर दिया, फिर भी नहीं 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 बोलोगे तो श्राप देना ही पड़ेगा, और क्या होगा, ये तुम्हारे पुमर्थ, पुमर्थ माने नीचे पुमर्थ, तुम्हारा अपना जो परम पुरुषार्थ है हानि पराभव, ये भी और नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, इसलिए मेरा कहना मानो। अतः सुमतया प्रयोजन वशानुगा, जो सुष्टु मति वाले हैं अपना प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष के वश मुक्षुता को लेकर के जिज्ञासा को लेकर के चलने वाले हैं, आप लोगों से कहना है यथा नयम उपेक्ष दुर्मत्सरम, मैं सक दुर्मत्सरम उपेक्षा, ये मात्सर्य भाव को छोड़ दो, त्याग दो, और यथा नियम जैसा सिद्धांत वर्णन किया है हमने उसका अच्छी तरह से मत कृत्यौ यत यथा नियम सत्कृतिम कुरुता, मेरे कृत्य में ये जैसा सिद्धांत बताया गया उसमें अपने सत प्रयत्न को करो और मुक्त हो जाओ, इसे तुम्हें लाभ होगा। इस प्रकार सद्वैसिति का तीसरा परिच्छेद समाप्त हो गया, और चौथा और अंतिम परिच्छेद है, चतुर्थ परिच्छेद फल परिच्छेद है, तो फल पर विचार करेगा। आपने कहा अविद्या निवृत्ति रूपा मोक्ष, ये क्या है, अविद्या निवृत्ति क्या है, आत्मा ही है क्या, अविद्या ध्वंस आत्मरूप है, ये आत्मा से भिन्न है, भिन्न में भी पूछोगे सत्य की मिथ्या है, सत्य कहो तो द्वैत आ जाएगा, एक आत्मा है सत्य, दूसरा ध्वंस भी अविद्या ध्वंस सत्य, दो सत्य हो जाएगा, ऐसा विकल्प उठाएगा विचार करेगा। देखिए ननु मुक्तिस्तावत अविद्या निवृत्ति न संभवती, आपने लक्षण बनाए अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, लेकिन ये आपका ठीक नहीं है कहना, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बता, अविद्या निवृत्ति क्या है मुझे समझाओ थोड़े। तथा ही साक्यम आत्मरूपा तद भिन्ना वा, बताओ अविद्या निवृत्ति आत्मरूप ही है, अविद्या ध्वंस जैसे नैयायिक आदि मानते हैं, घटक ध्वंस क्या है, कपाल रूप है जो टुकड़े पड़े हैं, अधिकरण रूप ही मानते हैं, अधिकरण से अलग नहीं, कपाल से अलग कोई घटक ध्वंस नहीं है, जो टुकड़े पड़े हैं उससे अलग कोई घटक ध्वंस नहीं, कपड़ा चल गया ध्वंस हो गया पटक ध्वंस क्या है, और राख के अलावा कोई पटक ध्वंस नाम का अलग चीज नहीं है। इधर से आप अविद्या ध्वंस अविद्या निवृत्ति क्या आत्मा ही अविद्या ध्वंस मानते हो, आत्मा कोई अधिकरण हुआ है तद्रूप मानना पड़ेगा आपको, आ तो उसे भिन्न मानते हो, सबसे पहला ये विकल्प है। कहते पहला पक्ष में
तद्रूप आप नहीं मान पाएंगे। नाद्य असाध्यतापत्य है, फिर से अविद्या निवृत्ति के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत ही नहीं। क्या आत्मा क्या है? नित्य है, वही अविद्या निवृत्ति रूप हो गया, अरे वो भी नित्य हो गया तो साध्य कहाँ रह गया? आप और श्रवण में निध्यासन करो अविद्या का ध्वंस करने के लिए, क्या जरूरत? फिर व्यर्थ हो जाएगा प्रयास। द्वितीय अपि तद्भिन्न मानोगे, वहां प्रश्न उठेगा। द्वितीय अपि किम सती मिथ्या वा, द्वितीय पक्ष में भी पूछता हूं वह सत्य है या मिथ्या है? यदि सत्य कहोगे तो अद्वैतानि आद्य अद्वैतानि स्यात्, द्वितीय अविद्या तद कार्यान्यतरत्व आपत्ति स्यात्। द्वितीय पक्ष में क्या होगा? मिथ्या कहोगे कि अविद्या तद कार्य अन्यतरत्व आपत्ति, अविद्या निवृत्ति क्या रहेगी? या तो अविद्यात्मक ही मानना पड़ेगा उसको मिथ्या होने से, या अविद्या के कार्यांतर मानना पड़ेगा उसको ध्वंस को। अविद्या का ध्वंस भी अविद्या ही है कि मिथ्या है? अच्छा, अविद्या का ध्वंस को अविद्या का अवान्तर कार्य मान लो, जिस घटपट आदि अविद्या के कार्य है इस अविद्या ध्वंस भी एक कार्य है विद्या का, ये पूर्व पक्ष कहता है। इति चेन्ना, तब सिद्धांत की तरह से आप शंका उठा नहीं सकते, अविद्या रूप मानना होगा उस ध्वंस को, या अविद्या का एक कार्य विशेष घटपट आदि के समान ही मानना पड़ जाएगा, ऐसा मत कहो। चर्म वृत्ति उपलक्षितस्य आत्मनो अज्ञान हानि रूपत्वात्, केवल आत्मा हमारा अविद्या निवृत्ति रूप, हम पहला पक्ष ले रहे आत्म रूप ही है, हम मानते पहले भी विचार हो चुका है जितने भी ध्वंस है वो अधिकरण रूप आत्म रूप ही है यहाँ, लेकिन कीदृग आत्मा नित्य शुद्ध भुक्त आत्मा को हम अविद्या का ध्वंस रूप बनाने अधिकरण नहीं मानेंगे, वो तो किसी का अधिकरण ही नहीं है, वो उसको कैसे मानूंगा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा जो है वो किसी का अधिकरण नहीं है, कुछ भी कल्पित भी नहीं, आज जगत पैदा ही नहीं हुआ तो किसका अधिकरण है वो? इसलिए इनका कहना है कि देखो इस आत्मा को मान रहे चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मनो, चरम वृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा चैतन्य वही अविद्या ध्वंस का अधिकरण है, केवल आत्मा नहीं। अतः नित्यत्व प्रयास के अभाव दोष खत्म हो गया, चरम वृत्ति के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, उससे उपलक्षित आत्मा ही अविद्या ध्वंसात्मक है, विशेष नहीं लूंगा। भाई अभी जो हमारी चरम वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य वो क्या होता है? शुद्ध उपसुद्ध न्याय वैसे है, ये चरम वृत्ति से अवचिन चैतन्य हम अनुभव कर रहे हैं तो अविद्या का निवृत्ति के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा, पर बचेगा क्या? केवल आत्मा शुद्ध रह जाता है। इसे वो शुद्ध मात्र को हम अधिकरण नहीं कह रहे ना, अधिकरण कौन हुआ अविद्या निवृत्ति का? ये चर्म प्रत्यवचिन चैतन्य हुआ, वो अधिकरण है अविद्या निवृत्ति का। वो क्या हो गया फिर अंत में? उपलक्षण करके उपलक्षित अवशेष रह गया, वो एक नित्य रह जाता है, इसे कोई दोष नहीं है। अज्ञान हानि रूपत्वात् तथा च उपलक्षण साध्यता मुक्तिरपि साध्यता, इसलिए उपलक्षण साध्य होने के नाते मुक्ति भी हमारे लिए साध्य है। नित्य मुक्त हम कह रहे आत्मा को, नित्य मुक्त होते हुए भी मुक्ति साध्य हमारे लिए, क्यों साध्य हो गया? कि उपलक्षण साध्य है, चनवृत्ति बनाना बहुत जरूरी है, उसके लिए श्रम निध्यासन करना पड़ेगा, अधिविधि का विषय बन जाता है कि उपलक्षण साध्यता मुक्तिरपि साध्यता न च उपलक्षण निवृत्तिया मुक्ति भी निवृत्ति। यदि आप कहोगे फिर तो उपलक्षण की निवृत्ति हो जाए तो मुक्ति भी निवृत्त हो जाएगी, ऐसा मत कहो। पाके निवृत्ति भी पाचक अनिवृत्ति दर्शनात्, पाक कार्य का निवृत्ति होने के बावजूद भी उसको पाचक कहा जाएगा। जैसे सड़क में कोई जा रहे, कौन जा रहे जी? ये आचार्य जी। अरे आचार्य जी ये तो पढ़ा नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो चल रहे सड़क पे। अरे सड़क पर चल रहे हैं इस समय तो उनको क्या कहना चाहिए? भ्रमण करता न तो आचार्य हो, बोलेगा कोई? तब भी वो आचार्य है। ये कौन जा रहा है? ये हलवाई जा रहा है। अरे हलवाई तो कुछ पकौड़ी तो पका नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो तो यूं ही जा रहा है। नहीं, पकाना रूपी क्रिया बन नहीं है,
फिर भी वो पाचक है, पढ़ाना रूपी क्रिया नहीं फिर भी वो आचार्य है। कौन जा रहा है भाई? नाई जा रहा है, लेकिन बाल कहाँ काट रहा है? वो क्रिया के बिना भी उसका संज्ञा जो है विशेष प्रयोग जो हो रहा था कार्य वो तो रहेगा। इधर से यहां पर भी देखो उपलक्षण वाले ना रहे, मुक्ति बना रह जाए नित्य, तभी हम नित्य मुक्त कहते हैं। कौवा चला गया, उपलक्षण में यही होता है, घर तो रह गया, ये कौवा उड़ गया तो घर भी उड़ जाएगा क्या? काकवत ग्रह उपलक्षण का दृष्टांत मुख्य होता है, वहां भी देख लो कौवा नहीं रह गया तो घर भी नहीं रह गया, या घर का ज्ञान ही नहीं होगा, ये नहीं कह सकते आप, होता है। सर यहां पर भी समझो, तदुक्तम चित्सुकाचार्य जी ने तत्व प्रदीपिका में कहा है, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः उपलक्षण नाशे पिस्यान मुक्ति पाचकाधिवत। चौथा प्रकरण वहां भी फलाध्याय में उन्होंने भी अभी कहा है, 4-8 में, निवृत्तिर मोह से निवृत्तिर आत्मा एव, अविद्या की निवृत्ति क्या है? आत्मा ही है। जातत्व उपलक्षित, अरे आत्मा कैसे? आत्मा तो नित्य है, कह रही जातत्व उपलक्षित, चरवृत्ति के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञात हो गए, जातत्व उपलक्षित है, अतएव उपलक्षण नाशे भी, वो चरवृत्ति अविद्या सहित नष्ट हो जाने के बावजूद भी मुक्ति पाचकाधिवत स्यात्, मुक्ति स्यात्, मुक्ति तो बनी रहेगी। दृष्टांत क्या है आपका? कहते पाचकाधिवत, जैसे आदमी हलवाई है, भोजन नहीं बना रहा है, क्रिया तो निवृत्त हो गया, गया ध्वंस हो गया, लेकिन फिर भी आदमी को पाचक, अध्यापक ये सब बोलते, कृषक वगैरह वगैरह, सारी चीज़ ऐसे व्यवहार होता है।